नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथैया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय आलू मंडी सातनपुर फर्रुखाबाद में। आवक तो कल जैसी ही दिख रही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है और बाकी इन लोगों से पता कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जैसी ही है। और ये सुरेंद्र जी की दुकान है, सुरेंद्र जी आरती हैं, बबलू जी आरती हैं, बहुत सारे आरती हैं। और इधर ये व्यापारी हैं, क्या नाम है अपना? विमल कटिया, लेखराज जी और ये इलू जी व्यापारी हैं सब लोग। और किसान वगैरह ये कहाँ गए हैं आप लोग भैया? महपाल सिंह यादव, महमदपुर कामराज। अच्छा, ये महमदपुर कामराज के किसान हैं सभी। क्या आवक क्या लग रही है आज? 15 मोटर मतलब कल से क्या 19 है? थोड़ी सी 18 है। कल ऐसे सोच रहे थे 18-20 मोटर के आसपास होगी। कल 15 मोटर है। अभी मेरी ख्याल इस हफ्ते आवक बढ़ेगी नहीं, यही रहेगी लगभग। अब कम होगी। हाँ, 10 तारीख के बाद से। हाँ, 10 तारीख के आसपास या 12 तारीख से बढ़े तब तक लग रहा है कि मतलब आवक ऐसी ही रहेगी। आज भाव कैसे रहे आज? भाव हमने आलू खरीदे हैं 711 तक। बढ़िया आलू नंबर एक। और बैसे वाले बैसे वाले भी कहना है। पहले सबसे पहले अच्छे बिल्कुल क्रीम लगे। अच्छा, अपने कहा था बिके आज? 701। देखो ये आलू बिका है 701 रुपया पैकेट से ही ना? पैकेट से जी। कितनी भरती? 53 किलो। कितनी? 53 किलो भरती तो इसमें और ज्यादा है, 54-55। अच्छा, भरती इसमें अच्छी है, मुंह खुला हुआ है पैकेट का। भैया बहुत कट्टा ना लिया, बहुत कट्टा करो। तो 701 रुपया बिका पीली मिट्टी का आलू है। बढ़िया। कौन किसान दादा? कौन सा पुखराज है कि कौन सा है? पुखराज है। कितने दिन में खोदा है ये? ढाई महीना का। अच्छा, लेकिन ढाई महीने के साइज छोटा है। नहीं, आलू तो पको ही है। नहीं, आलू आलू तो बढ़िया है। पहले बारिश नहीं हो गई। ढाई महीने के हिसाब से मतलब साइज छोटा। वैसे 2 महीने के लोग खोद रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं। निकले कैसे? बारिश हो चुकी है। ढाई बीघा में 84 पैकेट। 3.5 बीघा 30 पैकेट ऊपर निकलो 111 पैकेट। 3.5 बीघा 3.5 बीघा में 111 पैकेट। अच्छा, अब मेरी पूरी हुई है यार। 30 पैकेट निकलो साहब। ये 30 पैकेट का तो ढाई महीने में 30 पैकेट निकला भाई। 2 महीने में लोगों को 20 पैकेट निकल रहे हैं। बारिश पहले वाले हैं ये भाई। आलू क्वालिटी बहुत बढ़िया है और ये पीली मिट्टी के भी हैं, बाकी साइज वाइज सब बढ़िया है। तो और बाजार मतलब बाजार की आलू के भी कल से आज 50 रुपए तेजी है। 50 रुपए की तेजी है आज। अच्छा, कल आलू 651 लिए थे, आज 711। हाँ, कल तो 701 रुपए, 705 रुपए तक बिके थे आज। बढ़िया मोटा आलू था। 705 रुपए बिके। 3 ट्राली थी वो शायद। हाँ, लेकिन वो मोटे आलू थे बहुत, मतलब सीजन में ऐसे आलू थे नहीं, तो वो आलू बिके थे 705। हाँ भैया, तो 681 रुपए बिके थे भैया। बता रहे 705 में एक ही दो ट्राली बिकी थी, बढ़िया वाली। कल वाला आलू जो था उसकी क्वालिटी एक ही ट्राली मिली पूरी मंडी में। हमें आज पूरी मंडी में एक ही ट्राली वो वाली क्या था बिकी? वो है 701 रुपए। अच्छा है, वो भी 701 रुपए की नंबर एक क्वालिटी। अच्छा, खोलो तो आज तो 711 से ऊपर भी गए हैं। कोई हो सकता है किसी के यहाँ गया हो, कहीं बैठे नहीं। हो सकता कहीं गया हो। 700 रुपए में काफी आलू। 700 रुपए में काफी आलू। 31 रुपए बिके उधर। 31 रुपए बिके। 700 कैसे कहते? अच्छा, बिक गए होंगे किसी। कल अगर कल जैसे मोटे आलू होंगे तो बिक गए होंगे। 700 कैसे कहते? बिक गए होंगे। और किसान यहाँ पे वहाँ के अलावा दूसरी जगह कोई किसान? आप कहाँ थे दादा? भोजपुर। कहाँ पे? अच्छा, ये कमालगंज वाला भोजपुर। आलू लाए थे आज किधर? अच्छा, बिका कि नहीं बिका भी? अच्छा, बिका नहीं। खुदाई आपके यहाँ भी चालू हो गई? भोजपुर वाले तो कानपुर ले जाते हैं। फिर आज कैसे फर्रुखाबाद आज?
अच्छा आप यही मिलते फरुखाबाद? अरे कच्चा नहीं, तो खुदाई वहाँ पे चालू हुए को आलू। अच्छा मतलब जो बारिश के पहले वाले गले थे वो सब दिन पहले खुद रहो मेरे। अच्छा हाँ, उधर तो भोजपुर में सबसे पहले खुदाई होती है उधर भी, लेकिन वो सब ले जाते कानपुर। हाँ वो उधर के सब कानपुर ले जाते, तो इसलिए पता नहीं चलता है यहाँ पे। कितने दिन के खोदे हैं आप लोगों ने? सवा दो महीना का है। तो कैसे निकला आपका? कम निकलो, कितने पैकेट को? 20 पैकेट को या कम? कितने पैकेट बिगा? 20-22 पैकेट ठीक है, एवरेज में ऐसे ही निकल रहा है 20-22 पैकेट। ये तो एक आध अच्छे वाले जो है, जैसे मतलब भैया ने ढाई महीने का खोदा तो ढाई महीने में तो थोड़ा ज्यादा निकलेगा ही, और लोग जो दो महीने खोद के ला रहे हैं वो लगभग वही 20-22 पैकेट के। लेकिन बारिश के बाद जो खोदेंगे उनमें प्रोडक्शन अच्छा होगा, उनमें बढ़िया निकले। तो आपकी बिके नहीं आई है? अच्छा, और ये बिके वाले किसके हैं? ये दे वाले बिके का कहा था बिको? जो कौन किसान है दादा आपको है? कहा था बिको अपनो? 701 रुपया। देखो ये भी 701 रुपया बिका। ये थोड़ी नॉर्मल मिट्टी है, ये पीली मिट्टी नहीं है, लेकिन बिका ये 701 रुपया। कहाँ का है दादा? हम दिल्ली। अच्छा 701 रुपया पैकेट ऐसे ही हुंडा ना? अच्छा दहलिया ये गंगा पार? हरियाली मार्ग पर। अच्छा ये बेवर रोड पे? बेवर रोड पे। अच्छा तो खुदाई आपके तो मतलब आलू तैयार हो गए? छोटे छोटे। अच्छा अच्छा बारिश के पहले वाले जो होंगे? अच्छा बारिश पहले ही वाले हैं। ये कब के गड़े हुए हैं? ये गड़े हैं 28 तारीख छोटे छोटे 28 अच्छा 2 महीने 2 दिन हो गया। 2 महीने 2 दिन पुखराज एक ख्याति है। अच्छा अगाए वाले सब पुखराज ही होते हैं? 5 किलो ख्याति 2 महीने में नहीं हो पाता। क्या क्या बता रहे? ख्याति 15 दिन लेट हो जाता है, मतलब ख्याति 2.5 महीने पहले खोदने को होता ही नहीं है। या भाई तो सही खोदे तो 2.5 महीने में खोदेगा। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई तुम पीट करके खड़े हो? हाँ अड़तिया साहब पीट करके खड़े। कितनी आमदनी लग रही है आज? 8-10 मोटर ज्यादा होगी यार, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी 15 मोटर के आसपास बता रहे हैं लोग आज, लेकिन कल से कुछ कम बता रहे हैं। हाँ कल से कुछ कम बता रहे हैं, 15 मोटर के आसपास बता रहे हैं। कल तो 12 मोटर थी। 12 नहीं कल थी 17-18 मोटर के आसपास। आज कैसे कैसे बेचे आप? 701 बेचा है ये वाला जो भरा जा रहा है, ये 701 बेचा है। 701 रुपया पैकेट है। हुंडा हुंडा भर्ती अच्छी है? हाँ भर्ती बढ़िया है। 55 किलो होगी उसमें मेरे ख्याल से। 55 तोल हो चुकी? हाँ वो मुंह खुले हुए लग रहा है कि मुंह खुला हुआ है। 55 किलो होगी उसमें आराम से। जी वाले अभी निवल वाले देर में बिकते हैं। देखो ऐसे आलू जो जो थोड़े साइज मतलब खाली 19 ही है इसका, साइज में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा छोटा साइज है, इसको लोग बाद में पकड़ते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं जो थोड़े से मोटे आलू मिलते हैं वो पकड़ते हैं, और ये बिकेंगे अभी थोड़ी देर में बिकेंगे बाद में। तो 2 ही ट्रालियां थी है? 2 ही थी। अच्छी बिक गई और निवल वाली रही, ऐसे अभी और भी बिकने को होंगे। चलो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास आया था आज 15 तारीख की, लेकिन खुदाई तो आपके यहाँ भी चालू हो गई। उधर शमशाबाद का खूब आलू आ रहा है उधर का? अभी आलू है नहीं उधर, आपके यहाँ पे नहीं तैयार है? अच्छा, लेकिन उधर कायमगंज एरिया का, शमशाबाद का, मंजना का, उधर का बालू वाले क्षेत्र है उनमें। अच्छा आपके यहाँ पे मोटी मिट्टी थोड़ी आप, लेकिन गड़ा नहीं पाया। अच्छा तो बारिश से पहले किसी के नहीं गड़ा था क्या? 15-20 बीघा था। अच्छा ऐसे ही पूरे गांव में? अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी अभी खड़ा है अभी खुदा। अच्छा बारिश के बाद वाले वो तो खुदने को होंगे 12-15 तारीख के बाद ही खुदने को होंगे। 15 तारीख के हमारे गांव 200 बीघा गड़ी है। 200 बीघा बारिश के पहले? इस बार बारिश से पहले कम ही लोगों ने गड़ाए थे आलू, थोड़े बहुत गड़ाए थे, फिर लगा कि बारिश होगी, फिर लोग रुक गए, घरों में आलू डाले रहे, लेकिन गड़ाया किसी नहीं। फिर इसके बाद कितनी तारीख की गड़ाई बारिश के बाद? 15 तारीख 15 तारीख से
हाँ ज्यादा गड़ाई जो है 15-16 तारीख के, जो बालू वाली जगह है उनमें 12 तारीख से, 12-13 तारीख से गड़ाई है। हाँ जो ऊंची क्या, जो बालू वाली जगह है जिनमें बालू मिट्टी पानी एकदम पी जाता है वो 12 तारीख की गड़ाई है, 12-13 तारीख की, और उसके बाद खेतों में वही 15 तारीख से फिर सब में है। 15 से 20 की गड़ाई बहुत तेज है। हाँ 15 से 20 में वो खूब गड़ाई हुई है, और 15 से 20 क्या 15 से 24 दिवाली तक खूब जम के गड़ाई हुई है। दिवाली के बाद लगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा पैसा हुआ कि आलू निकले नहीं लोगों के, फिर आराम से गड़े आलू दोबारा लोग गड़ा रहे हैं दोबारा। अच्छा लेकिन दोबारा ज्यादा नहीं गड़ेंगे इस बार, ऐसे ही 12 साल ज्यादा गड़ेंगे। हाँ इस साल ज्यादा नहीं गड़ेंगे क्योंकि एक तो लेट हो चुका, किसी किसी के पास जरूरत है, जिसने अभी कच्चा खोद लिया और जगह उसके पास पके के लिए उसने छोड़ा नहीं, तो वो लोग गड़ा रहे हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।